नमस्ते इंडिया, स्वागत है थाईलैंड। शारदा चंद्र की पाकशाला में आपका स्वागत है। मेरे पास 2-3 रोटी रखी हुई थी दोपहर की, तो शाम का समय है, चाय के साथ हमें कुछ स्नैक्स चाहिए, तो हम बनाएंगे आज इन रोटियों को ही मिस्सी रोटी। ना आटा गूंदने की ज़रूरत है मिस्सा, इसलिए हम फटाफट इनको ही बना लेंगे, तो देखिए कैसे बनता। इसके लिए हमने लिया है 1 बड़ा चम्मच बेसन, और इसमें हमने लिया है 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक, धनिया पत्ते, प्याज, 1 टमाटर, ये सब हमने इसमें काट लिया है। दो इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमारा तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च, चुटकी भर हल्दी, धनिया पाउडर, अजवाइन और चुटकी भर हींग। नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब इसका अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट हमारा एकदम तैयार है। अब हम इसे रोटी पर लगा लेंगे, पेस्ट को रोटी पर फैला देंगे। कभी मिस्सी रोटी खाने का मूड हो और आटा ना गूंदना हो तो फटाफट आप मिस्सी रोटी इस तरह से बनाकर खा सकते हैं, और यह बहुत ही टेस्टी बनती है, बिल्कुल स्नैक का स्वाद देगी आपको। सभी रोटी पर हम इस तरह से पेस्ट लगा देंगे। तो ये देखिए, हमने सभी रोटी पर पेस्ट लगा दिया है। अब हम तवा गरम करेंगे। तवा हमारा गरम हो चुका है। इसको अब हम एक थोड़ा सा घी या मक्खन कुछ भी लगा के थोड़ा चिकना कर लेंगे, और रोटी को इस पर इस तरह से रख देंगे। गैस को सिम पर रखें। देखिए, जैसे ही रोटी थोड़ी नीचे से कुरकुरी हो जाती है तो इस पर हम थोड़ा सा घी डालेंगे, और अब हम रोटी को पलट देंगे। ये देखिए, एकदम कुरकुरी हो गई है हमारी रोटी, और अब इसे हम दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिए, हमारी रोटी एकदम से करारी बन गई है। इसे आप बेसन का पिज्जा बोलिए या मिस्सी रोटी बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन यह बहुत ही स्वाद बनी है, करारी करारी, एकदम कुरकुरी। अब हम दूसरी रोटी भी इसी तरह से सेक देंगे। थोड़ा घी डालेंगे और रोटी को इस पर रख देंगे। इसी तरह से हम ब्रेड को भी सेक लेंगे। ये पेस्ट हमने ब्रेड पर भी लगाया है, तो इसे हम इसी तरीके से इसको भी सेक लेंगे। इसे हम पलट पलट करके अच्छे से सेक लेंगे। बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो देखिए, मिस्सी रोटी हमने बनाई है बची हुई रोटियों से। इसे आप बेसनी पिज्जा भी बोल सकते हैं, और साथ में हमने बच्चों के लिए स्नैक भी बना दिया है। इसी को ब्रेड पे भी लगा के हमने ब्रेड को भी बनाया है, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। और ये देखिए, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।